E बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे नाज्रीन और सामीन मैं हूँ आपका भाई हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफ़िज़ वसी यूट्यूब चैनल आज का प्रोग्राम जो है वो एग्रो फ़ारस्टी की दूसरी किस्त है और आखिरी किस्त है मेरे एग्रो फ़ारस्टी के पहले प्रोग्राम पर जो मोहब्बत का इज़हार आप लोगों ने किया है मैं इंतहाई मशहूर हूँ लेकिन उसके अंदर मैंने देखा है कि बेशुमार लोगों ने उस प्रोग्राम की तारीफ भी की है लेकिन चंद एक सवाल भी दरमियान में आए हैं मसलन क्या हम सफेदा लगा सकते हैं एक साहब ने पूछा है कि क्या शीशम लगा सकते हैं और ये बात भी आपको बताई थी कि ये दरख्त जो है ये आप लगा सकते हैं लेकिन सबसे जो हैरान को जो तबसरा किया है और उन्होंने फरमाया कि ये सब कुछ ऐसे ही है मैं आपको आज यही बात बताना चाहता हूँ कि जंगलात बागबानी और एग्रोफॉरेस्ट्री में क्या फ़र्क है जंगलात आप एक रकबे पर लगाते हैं और उसकी बेशुमार किस्में हैं मैंने पिछली मरतबा गिनवाई थी मियावाकी जो आज कल जैपनीज़ टाइप जो चल रही है वो भी आपके सामने है एक और भी है गुरीला फॉरेस्ट्री उसका मतलब यह है कि दरख्त के ऊपर दरख्त लगाना उसका मतलब ये है कि आप उस एरिया से रकबे से आप कोई चीज़ नहीं ले सकते इसी तरीके से जब आप बागत लगाते हैं तो बागात का मतलब ये है कि आपने बाग से आमदनी लेनी है वहाँ फसल का तस्वुर नहीं है फ़सल लगाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है ये डाई बैक डाई बैक कि पौधा खड़ा हुआ है किन्नू का और पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू कर दिया है इसकी वजह सिर्फ यही है कि लोग बरसीम लगा लेते हैं और जब उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती बाग को उस वक़्त पानी लगाया जाता है उसके नतीजे में जड़ें गल जाती हैं सड़ जाती हैं और पौधा ऊपर से मरना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है ये एग्रोफारेस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब यह है कि मैं आपसे कोई चीज़ नहीं मांग रहा अगर आप कपास लगा रहे हैं आप लगाते रहें अगर आप गन्ना लगा रहे हैं आप लगाते रहें आप गंदुम लगा रहे हैं आप लगाते रहें उसकी पैदावार एग्रोफारस्टी के खाते के अंदर ज़्यादा होने का तो इम्कान है कम होने का इम्कान नहीं और ना ही जो दरख्त मैंने आपको बताए हैं अगर आप वो लगाते हैं तो उसको ना किसी यूरिया की ज़रूरत है ना किसी पानी की ज़रूरत है वही पानी जो फ़सलों को चाहिए वही यूरिया जो फ़सलों को चाहिए वो थोड़ा बहुत उसको मिलता रहेगा सिर्फ़ एक काम आपको करना है और एक काम क्या है वो ये है कि आपने पौधे की सिलेक्शन करनी है उस दरख्त की सिलेक्शन करनी है आपको कितना ऊंचा दरख्त चाहिए आपको किस किस्म का दरख्त चाहिए ये असल इम्पॉर्टेंट है आपको अधव्याती चाहिए आपको लग्यूमिनस चाहिए आपको लकड़ी वाला चाहिए मैं आगे बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए आप जो आपका छोटा जो शहर है मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ फ़र्नीचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ कस्बों की बात कर रहा हूँ आप तिर के पास जाएँ या आरे की मशीन के पास जाएँ और तिरखान को ये कहें कि ये जो ढाबों के ऊपर जो बेंच बने होते हैं और जो आगे मेज़ रखी होती है जिसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं होती और वो बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं होती सिर्फ़ वही वाली उस बेंच का उस स्टूल का और उस मेज़ का रेट पता कर लें उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास जो दरख्त लगा रहे हैं आप और जो उग रहे हैं अगर आप उनको बेचते हैं तो कितने पैसे मज़ीद आने का इम्कान है ये एक चीज़ है जो लिखी पड़ी चीज़ है कि आपने अपने हिसाब से दस दस फुट के फासले के ऊपर आपने दरख्त लगाने हैं और ये लंबी लाइन में लगाने हैं आपने और ये डब खड़बा काम नहीं करना कि एक शैतूत का दरख्त आ गया फिर अम्बल ताश का दरख्त आ गया फिर सफेदे का दरख्त आ गया फिर बेरी का दरख्त आ गया फिर जैतून का दरख्त आ गया ये आपने ज़रा ख्याल रखना है अगर आपने कीकर का दरख्त लगाना है तो पूरी की पूरी लाइन आप की करिए की लगाएं अगर आपने सफेदे का लगाना है तो पूरी की पूरी लाइन सफेदे की लगाएं अगर आपने जामन का दरख्त लगाना है तो फिर पूरी की पूरी लाइन अला हाज़ुल क्यास पाकिस्तान के अंदर पच्चीस हज़ार आइडेंटिफाइड रजिस्टर्ड लोकल ट्रीज़ हैं अपने हालात के मुताबिक महकमा जंगलात से पूछ के आप उन दरख्तों की सिलेक्शन कर सकते हैं और उन दरख्तों की सिलेक्शन करने के बाद आप उनको शर्कन खरबन आप लगा सकते हैं अब मेरे एक दोस्त ने चाहने वाले ने सवाल पूछा है कि शरकन गरबन क्यों लगाने हैं शिमालन जुनूबन क्यों नहीं लगा सकते अब ये शरकन गरबन का मकसद असल ये है कि इसका साया जो है वो आपकी फसल पर उस वक्त ना पड़े जब साया नुकसान दे अब सूरज मछली से तुलु होता है और ये दरख्त ऐसे खड़े हुए हैं तो साया अपोजिट साइड पर जाएगा और शाम के वक्त जब सूरज गरूब हो रहा होगा तो सा मशर की तरफ जाएगा इसका मतलब ये है कि इन दरख्तों का कि साय का आपके फ़सल के ऊपर उल्टा कोई नुकसान नहीं होगा तो ये मैं चाहता हूँ कि आपने सिलेक्शन करनी है फिर उसके बाद आपने देखभाल इस हद तक करनी है कि अपने नौकरों पर नहीं छोड़ना जिस तरह आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं आपने वहाँ चक्कर लगाना है आपने देखना है कि कहीं आपका दरख्त जो है वो उसके ऊपर घास तो नहीं आ गई और दरख्त नीचे रह गया तो थोड़ी सी उसकी सफ़ाई करवा देनी है और सबसे बड़ा काम जो एक चीज एक काम एक है नाम कई है वो छिदराई है उसको ट्रेनिंग भी कहते हैं उसको प्रूनिंग भी कहते हैं उसको ट्रिमिंग भी कहती हैं मकसद उसका ये है कि दरख्त को आप जिस तरह जिस तरीके से आप ऊपर ले जाना चाहते हैं आप दरख्त को उस तरीके से आप ऊपर ले जाएं और वो दरख्त उसी तरीके से जाएगा नज़़ीर साहब ने ये फरमाया है कि मैं ये काम करता रहा हूँ और ये दरख्त लगाने से पौधों की पैदावार ख़राब हो जाती है दूर के ढोल सुआने होते हैं तो मैं अपने भाई को इसमें डिस्कशन में नहीं आना चाहता ये मेरे भाई की एक राय है मैं उसका एहतराम करता हूँ लेकिन दुनिया जहान के एग्रोफॉरेस्टर से आप पूछें आप इवन महकमा जंगलात वाले से पूछें आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूछें तो आपको यही बात नज़र आएगी कि दर फ़सलों के दोस्त और दरख्तों से हमेशा आपकी आमदनी में इजाफ़ा होता है और इससे नुकसान नहीं होता अलबत् फ़ायदा ज़रूर हो सकता है इसी तरीके से मेरे भाई ने पूछा क्या मैं सफादा लगा सकता हूँ सफदे के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगंडा हो चुका है सफादे की बेशुमार्पीज़ें हम बात कर चुके हैं लेकिन एक बात ज़रूर है कि सफे की अपनी खसूसियात हैं जो किसी और दरख्त में नहीं हैं ये नाइनटीन सेवेंटीज़ में मैं उस वक्त तलब इम था और सेम बाहर निकल रही थी उस वक्त इस दरख्त को पाकिस्तान में बिलू गम इसका नाम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये पानी ज़्यादा खींचता है जिन इलाकों के अंदर पानी का जो टेबल है ऊपर है और जहाँ सेलाइन सॉइल हैं नमकीन वहाँ पर यह दरख्त बहुत अच्छा है और एक बात आपको याद रखें किकर के दरख्त ने जितना पानी पी अपना कद बढ़ाया ये उतना पानी पीकर उससे ज़्यादा कद बढ़ाएगा अब आप लोग एक बात को ज़रा गौर से देखें कि कुछ दरख्त ऐसे हैं जो काफ़ी देर तक जलते हैं और कुछ दरख्त हैं वो थोड़ी देर तक जलते हैं अब ये सुफैदे का बेनिफिट ये है इसको कहते हैं ज़्यादा एनर्जी पैदा करना ये दूसरे दरख्तों के मुकाबले में ज़्यादा देर तक जलता है और ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है लेकिन इसकी बुनियाद पर आपकी जो फ़सल है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए अगर आपने सफेदा लगाया तो दो साल तो वो फसलों को कुछ नहीं कहेगा दो साल के बाद दाएं बाएं से फ़सल गायब होनी शुरू हो जाएगी और ये बड़ी ग़लत फहमी है कि ये फ़सलों के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं बचती जबकि हकीक़त ये नहीं है हकीकत ये है कि दो साल के बाद उसके पत्ते नीचे गिरना शुरू होते हैं और उन पत्तों के अंदर एक टॉक्सिन मटेरियल होता है जो किसी और फसल को उगने नहीं देता ये एक इफेक्ट है तो ये आप दो साल के लिए अगर लगाना चाहें तो नो no प्रॉब्लम लेकिन जो ज़मीन है जहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है और जहाँ सेम का प्रॉब्लम होने वाला है या वाटर टेबल हाई है अभी सेम नहीं आई लेकिन वाटर टेबल इज़ अवेलेबल वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं ये ज़रूर आपको कुछ ना कुछ देगा मैंने जो मिसाल दी थी वो पॉली ब्रेकटी की मिसाल थी उसके लिए मुझे खुशी होगी कोई यूनियन कौंसिल वाले लोग मेरे पास आए और वो कोई प्रोजेक्ट बनाकर वहाँ पर उसके इसेंशियल ऑयल का कोई बंदोबस्त कर सके मैंने अपने गांव में अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और कुछ मशवर कुछ कहा मैंने कि यार दरख्त लगाएं ये एग्रो फारेस्ट्री जो है ये ये कीकर का दरख्त लगा लें टाली का दरख्त लगा लें श्री का दरख्त लगा लें और मैंने इस किस्म के दरख्त किनवाए तो वो एक साहब मुझे कहने लगे उसने कहा सर जी आपको पता नहीं है वो सामने कब्रस्तान है और उस जाल के दरख्त के नीचे वहाँ पर एक ही दरख्त है वो सारे नशे ही बैठ जाते हैं और वो वहाँ उनकी असम्बली होती है उसे वो पार्लियामेंट का नाम देते हैं वहाँ बैठ कर वो इलाज मुआवजा करते हैं ये लफ्ज़ है उनका कि चरस पीने को वो इलाज मुआवालजा कहते हैं तो अगर हमने दरख्त लगा दिए तो ये सारे नशे ही वहाँ से उठ कर यहाँ आकर बैठना शुरू कर देंगे अब मैं हैरान था कि ये क्या बात कर रहा है ये ये वही बात कर रहा है कि ये काम करना चाहता ही नहीं अब ये एक दो आदमियों की मैंने मिसाल दी है जो काम नहीं करना चाहते वो कहते हैं कि जब आप कोई काम करना चाहें कामयाबी हासिल करना चाहें तो 99 नाइन रीज़न आपको मिलेंगी जिसकी बुनियाद पर आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी और आप उस काम को करना शुरू कर देंगे और अगर आप काम नहीं करना चाहते तो सिर्फ़ एक रीज़न ही चाहिए लोगों को बिछड़ने के लिए लोगों को बिखरने के लिए और अपने दिमाग को ख़राब करने के लिए तो लिहाजा मैं एक आदमी के मैंने मिसाल दी है बेशुमार लोगों ने रब्ता किया है और उन्होंने कहा जी हम कौन से दर लगाएँ हमें ये दरख्त कहाँ से मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो ये ऊपर नाम चल रहा होगा शमस जलील साहब का आप उनसे राबता करें वो लोग जिन्होंने एग्रो एग्रोफारेस्ट्री में नाम पैदा किया ऐसे ट्रेनर मास्टर ट्रेनर मैं उनको बुला सकता हूँ इस किस्म का मैं बंदोबस्त कर देता हूँ एक ट्रेनिंग पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग उसका बंदोबस्त कर देते हैं और उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि कोई दो तीन अच्छे नर्सरी वाले लोग जो आपको नर्सरी प्रोवाइड कर सके इसलिए कि एक छ इंच का पौधा है एक एक फुट का पौधा है एक साढ़े तीन फुट का पौधा है मैं साढ़े तीन फुट के पौधे के ऊपर जाऊँगा ताकि जब आप लगाएं, कम अज़ कम वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ परसों यहाँ पर एक ब्रिगेडियर साहब आए थे और वो बता रहे थे कि जी मैं दो साल से आपका टेलीफोन नंबर तलाश कर रहा हूँ और जो जिस यूट्यूब चैनल पर आप पहले बात किया करते थे वो या कोई उठाता नहीं था उठाता था तो टेलीफ़ोन नंबर नहीं देता था तो मैं चाहता हूँ कि ये आप रबा करें मैं हमेशा अवेलेबल हूँ यहाँ आने के कोई पैसे नहीं हैं आप आकर बात कर सकते हैं टेलीफोन जो चल रहा है इसके ऊपर अगर आपको कोई इशू है तो आप ऑडियो मैसेज के ज़रिए आप मतलब है अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज सकते हैं मैं इन शाल आपको इसका जवाब दूंगा इस सारी बात का मकसद ये है कि आपको एग्रो फारेस्टी के बारे में अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो एग्री इनिशिएटिव का दफ्तर और इसका टेलीफोन आपके लिए हाजिर है तो ये असल एक चीज़ है जिसके अंदर हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं हमें उसी की फ़िक्र करनी चाहिए जो हम जो हम काम कर सकते हैं जो दूसरों का काम है उस पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला मुझसे मेरा हिसाब पूछेगा और मैं चाहूँगा कि उस वक्त मैं जवाब दूँ कि या अल्लाह ताला मैंने अपने हिस्से का काम किया अब इसमें बरकत डालना तेरा काम था ममा अल नाईबलामूवी